अब तू इंग्लिश में नहीं बोलता अमर तू तुझे मैंने इंग्लिश कौन सिखवाड़ से चाहते थोड़ू सीखा है टीचर वगैरह टीचर वगैरह सिखाए थोड़ू कहीं એને બહુ બોલવા જોઈએ છે હા પણ ટીચર વગર શીખાય ક્યાં પેલી બાજુ જતી રહી તમારી ટીચર થા એ જતી રહી હવે ના ચાલે ટીચર ભાગી જાય તો કે ચાલે બહુ બોલે દાદાને જોડે તો કે દાદા લાયા જ કેમ નહીં એની ઘેર આયા છે અમે અચ્છા અચ્છા રાઈટ રાઈટ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ ओ देवकी यहाँ गए देवकी जो बोलावे दादा आ दीपक दादा बोलावे के क्या गई एवं के દેવપતી તંડ્રે વાત કરીશું હા કિશાણજી આ ત્રિમંત્ર બોલાય કશ્યપજી अरे कश्यप जी नहीं खरे से आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा प्लीज थैंक यू ओके कश्यप जी शुरू करें नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पाव पणासनो सव पाव पणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम मंगलाणम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सुरेश जी आपको कोई प्रश्न है तो आपसे शुभ शुरुआत करें करिए करिए सर बोलिए बोलिए जय सच्चिदानंद केशवानंद जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ये थोड़ा मन में एक प्रश्न आया था कि दादा का ज्ञान लेने के बाद में सिर्फ हाँ जी अपना व्यवहार ही भर रह जाता है मनुष्य का माने माई का व्यवहार क्या हो जाता है व्यवहार रह जाता है सिर्फ अपना हाँ बाकी तो ये जो राग द्वेष ये सब खत्म हो जाना चाहिए बिल्कुल हाँ सही बात है कि नहीं नहीं अभी वो तो राग द्वेष ये जो कुछ भी है वो तो निकाली बाबत है ना अभी दादा ने हमको ऐसी दशा में बिठा दिया है जहां पर अभी राग द्वेष का तो सवाल ही नहीं है हम शुद्धात्मा पद में बैठ गए अपनी मेन सीट पे बैठ गए अभी तो ये राग द्वेष जो भी है वो मिस्टर खारे का है हमारा तो कुछ है भी नहीं ना हमारा तो दादा ने ऐसी सीट पे बिठा दिया कि अभी आप उसको खारे साहब को देखते रहने का है खारे साहब क्या करते है खारे साहब इधर राग हो गया अरे इधर द्वेष हो गया तो करो प्रतिक्रमण करो छुटा हो गया करो खरे साहब से वो माफी मंगवाओ तो अपने को ये पद जो प्राप्त हुआ ये तो ये जो अपन लोग कभी कभी इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं ना
कई घटना घटती है घर में अथवा भाई बहनों के साथ में, क्योंकि अब ये तो सब फाइलें आ गई हैं अपने साथ में, ढेर सारी इन फाइलों के साथ में, कभी कभी इनके व्यवहार में कभी कभी हम लोग इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं, तो ये इसको क्या समझने का साहब? समझने का ना, ये अभी देखो जब ज्ञान नहीं था तो वैसे था ही, व्यवहार में हम इन्वॉल्व होते थे, एक दूसरे के दोष देखते थे और एक दूसरे के साथ अड़ भी जाते थे, लड़म लड़ाइयां भी होती थी, पर वो क्या होती थी, वो एकाकार होके होती थी, उसमें हिंसक भाव होता था। अगर आप क्रोध करते थे तो क्रोध में हिंसक था, मैं उसको दिखा दूंगा, मैं उसको ऐसा कर दूंगा। पर अभी आप अपनी परिस्थिति देखो, अभी आप कौन से स्टेज में हो, जब से आपने ज्ञान प्राप्त किया तो अभी आपको किसी के ऊपर क्रोध हो जाए तो तब तक आप ऑन द स्पॉट आपको जागृति हाजिर होती है, खरे साहब ये क्या किया, उसके अंदर आपने शुद्धात्मा नहीं देखा, अपने भाई बहन के साथ ऐसे लड़ पड़े, फिर उसी समय आप खरे साहब से प्रतिक्रमण करवाते हो। तो अभी वो दशा और ये दशा में दिन रात का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अभी आपको संकेत प्राप्त हुआ, पूरा आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, आप बहुत बड़ी स्टेज में पहुंचे हो। तभी तो दादा ने हमको, जिन्होंने ज्ञान लिया उनको महात्मा बोला, उनको ज्ञानी बोला, क्योंकि आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो बहुत बड़ी स्टेज में बिठाया है। तो अभी हमको जिस स्टेज में बिठाया है उस स्टेज को अभी अपने को अनुभव करने का है। और उसके कभी कभी क्या ज्यादा हम इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं, सेंटिमेंट भी हो जाते हैं, तो ये क्या हमारा खुद का डिस्चार्ज है क्या? डिस्चार्ज है फाइलों के प्रति। हाँ, अभी आपको चार्जिंग नहीं है, पर डिस्चार्ज में जो भी है, लास्ट बर्थ में हम जिसके साथ जो हमारे संबंधी है, दादा बोलते हैं जो घर के हमारे जो कुछ संबंधी है, कुछ बाती है, उनके साथ ही हमारा रुड़ाना बंद है, उनके साथ ही हमारा हिसाब है। तो वो चिकनी फाइलें है, अभी उनके साथ क्या करने का, कुछ भी हो जाता है उसका उनके साथ संभाव से निकाल करने का, कुछ भी लड़म लड़ी भी हो जाती है ना तो दादा बोलते हैं उसका वादा नहीं है, आप लड़ पड़े, कभी क्रोध हो गया, वो दादा जानते हैं कि भाई वो डिस्चार्ज में है, उसमें आपका कहीं भी सिग्नेचर नहीं है, अभी आप उस आपको अंदर खाने ये भी दिखाई देता है कि निकाली बाबत है। तो अभी क्या हमारी परिस्थिति है, अभी जो कुछ भी हो रहा है उसको देखो और जानो, दैट्स ऑल। जो संयोग आता है उसका निकाल करो। इसलिए तो दादा ने एक बहुत बड़ा वाक्य बोला कि अभी मैंने जब से आपको ज्ञान दिया उसके बाद अभी क्या चीज रह गई अभी आपके पास, आपने तो सब समर्पण कर दिया, भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म सब दादा के चरणों में समर्पण कर दिया, अभी आपके पास रहा क्या? अभी आपके पास सिर्फ दो ही चीजें रही, शुद्धात्मा और संयोग। कितना बड़ा वाक्य दिया साहब। अभी जो संयोग आता है उसका निकाल करो, घर में भाई के साथ कुछ अथड़ामड़ हो गया, निकाल करो, प्रतिक्रमण करो। फाइलें हैं, फाइल एक, नहीं नहीं फाइल एक और फाइल 50 नंबर की, तो और फाइल 100 नंबर की, ये सब सेम है क्या? नहीं नहीं, जो फाइल नंबर 1-5 या 1-10 है वो बहुत ही हिसाब वाली फाइल है, बहुत ही चिकनी फाइल है, और फाइल नंबर 50 तो हेलो हाय का संबंध है, कभी मिले तो मिले, कभी कस्टमर मिल रहा तो ठीक है, कभी कोई दोस्त यार मिल रहा तो ठीक है, पर हमारे रिश्तेदारों में जिनके साथ आप हाथ ऊंचा करके तो, फाइल नंबर 50 का और फाइल नंबर 1 का दोनों का संभावित निकाल सही बुद्धि से करने का, कि उसको निगलेक्ट ज्यादा करने का 50 नंबर वाली फाइल को और फाइल नंबर 1 को बराबर करने का? नहीं, फाइल तो फाइल ही है, फिर चाहे 50 नंबर की फाइल हो और फिर चाहे 1 नंबर की फाइल हो, उसका निकाल ही करने का। हमारे टेबल पे दादा ने जो ये शब्द दिया है ना, फाइल बहुत बड़ा शब्द दिया है। आपका एक कबाट हो ऑफिस का, उसमें 100 फाइल हो तो फाइल तो फाइल ही होगा ना, फिर कौन सा फाइल है? तो फाइल नंबर 1 कवर रीड से करने का ना, सभी को एक को ज्यादा महत्व देने का, फाइल 15 को कम देने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फाइल कौन सी इजी है तो इजी फाइल होगी, तो उसमें आप 2 मिनट, जैसे जज के पास 100 फाइल हो तो जिस फाइल बहुत कॉम्प्लिकेट हो, किसी ने खून किया होगा तो उसको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, जिसका थोड़ा हल्का सा गुना होगा तो उसको 2 मिनट में सॉल्यूशन हो जाएगा। पर फाइल को तो हर एक को संभाव से निकाल करना है, तभी दादा ने ये वाक्य बोला, फाइलों का संभाव से निकाल करो, फिर 50 नंबर की फाइल हो या 1 नंबर की हो, दोनों केस में उसका संभाव निकाल होना चाहिए,
संभाव निकालना चाहिए। हाँ, पर वो आपके आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। सपोज 50 नंबर की फाइल हो आपका दोस्त हो, और वो आपके आपको आके बोलता है कि खरे साहब आज तुम मेरे वहां पर आना ना, तो आप बोलोगे यार आज मेरे को घर में क्या है, ऐसा मेरी पूजा है तो मैं नहीं आ सकता हूँ। पर अभी उधर वो बोलेगा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई वादा नहीं, तो आपका उधर कितना इजीली निकाल हो गया। पर अगर आपकी वाइफ बोलती है कि भाई आज खरे साहब आप सत्संग में मत जाना, आज मेरे को आपको इधर लेके ही जाना पड़ेगा, आप उनको बहुत समझाओगे पर वो बोलेगा मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट है, तो उसके बाद में बहुत खेचमतान होगी। पर उसको भी आपको संभाव से निकाल करना पड़ेगा। तो जो चिकनी फाइल होती है, जो नजदीक की फाइल होती है, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उनका बहुत पुराने पिछले भवों से बहुत बड़ा भारी हिसाब है, तभी वो आपके घर में आई है। और फाइल नंबर 50 तो चलो अपनी हेलो हाय वाली फाइल है, उनका उनके साथ संभाव से निकाल इजी हो जाएगा। उनके साथ थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, बहुत ज्ञान को हाजिर करना पड़ेगा, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो हम क्रिटिसाइज करते हैं ये करना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्रिटिसाइज करने का। हाँ, आप किसी का क्रिटिसाइज करते हो तो आप उसको अहम दुबाते हो, उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज एक किसी को बोल के तो देखो। खाली एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ कि आप खाली कल मेरा समझो मेरे घर में भाई आया, मैं बोला यार भाई ये आपकी यार एक बात है कि आप जब दूसरे आदमी जब बोलता है ना, मैं कभी बोलता हूँ तो आप सुनने की कोशिश ही नहीं करते। तो बोला मैं ऐसा करता हूँ, मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं है, मैंने आपको कभी ऐसा कैसा बीच में रोका, मैंने आपको कभी इंटरफेयर नहीं करता हूं, तो आप मेरे को कैसे बोल दिया कि आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अभी आपने ये उसके क्रिटिसाइज किया कि आप ऐसा करते हो, तो अगर वो करता भी होगा पर सामने वाले को बोलने से उसका अहम दुबाता है, और अहम दुबा दिया तो फिर उसकी तो फिर बात कहां से कहां पहुंच जाती है। हाँ, अगर वो वेलकम आदमी हो, वो ओपन माइंड वाला हो, वो कभी आपको बोले कि खरे साहब मेरी कोई भी भूल होती हो तो आप मेरे को बताया करो, तो आप उनको बोल सकते हो, खाली बोल सकते हो पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज किया तो यानी आपने उसके ऊपर मतलब उसका दोष देखा, आपने उसका दोष दिखाई दिया तब आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हो, और वो तो अपने को अलाउ ही नहीं है ना। ये अक्रम विज्ञान में तो अपने को निर्दोष देखने का, आपको आपको उसका दोष दिखाई देता हो, उसकी भूल दिखाई देता हो, या उसकी प्रकृति गलत काम कर रही है वो दिखाई देता हो, तो भी आपको उसको क्रिटिसाइज नहीं करने का, क्योंकि उसका अहम दुबाएगा। और हमारा मेन फर्स्ट नवकर्मों का पहला चीज है कि किसी के जीव को अहम नहीं दुबाने। अच्छा, चेतना को हम चित्त कहते हैं कि क्या है? चेतना अलग चीज है। तो हाँ, चेतना तो पूरा आत्मा की जागृति है, पूरा चेतना स्वरूप यानी भगवान स्वरूप है, भगवान स्वरूप है। अरे, जो चित्त भटकता है किसके बल पे? ये चित्त कैसे भटेगा, माने चित्त क्यों भटकता है एक्चुअली, वो पुराना है क्या अपना कुछ? अपना अपनी चित्त वृत्ति, दादा नहीं बोलते कि चित्त पूरा अशुद्धि हो गया है, चित्त की अशुद्धि हो गई है, मतलब अपने कितने भव से अपने स्व की तरफ देखा नहीं है, चित्त की शुद्धि हुई नहीं है। ये तो ज्ञानी पुरुष के मिलने के बाद चित्त की शुद्धि होती है, और तब चित्त का भटकना बंद हो जाता है, और चित्त शुद्धि हो जाने के बाद फिर वो चित्त भटकता भी नहीं, फिर चित्त शुद्धि तब हो जाती है जब वो चित्त की पूरा चित्त अपने स्वयं के अंदर खोजना शुरू करता है, अंदर आत्मा की तरफ जाता है। तो बाकी जब तक चित्त अशुद्ध है वो तब तक तो घूमता ही रहता है, उसको अपनी वृत्तियां बाहर घूमती रहती है, ये देख के आऊं, चलो माल में से खरीदारी करके आऊं, चलो घूम के आऊं, कभी चलो यहाँ से खाना खा के आऊं रेस्टोरेंट में, चलो ये पिक्चर देख के आऊं, ऑल द टाइम चित्त वृत्तियां घूमती रहती है, क्योंकि उसको आत्मा की तरफ वलन उसका हुआ ही नहीं है चित्त का। ये तो ज्ञानी पुरुष के मिलने के बाद हमारी चित्त वृत्तियां बदलती है, आत्मा स्वरूप आती है, ज्ञानी पुरुष की तरफ हमारा पूरा चित्तवृत्तियां जाती है, कभी अपना चित्त एक जगह शांत होता है, भटकना बंद करता है, चित्तवृत्तियां कभी बाहर देखती नहीं है, किसी जगह पे जाती नहीं है, और सिर्फ आत्मा के तरफ ही वो देखती रहती है। अच्छा, अच्छा, ये एक और आया था मन में, ये आई है जैसे आत्मा है अपनी, तो ये क्या 84 लाख योनि
कर्मों के हिसाब से प्रवेश करती है कि उसका क्यों ट्यूनिंग है, बॉन्डिंग है कर्मों का कुछ ऐसा, तो वो कोई भी गति में चली जाती है? नहीं नहीं, वो एक इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक आता जाता है और वहां से आता आता डेवलप होता 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 वो बदलता हुआ आता है और छेवट मनुष्य में आता है। उसके बाद फिर ये फिर वहां से भी भटकना होता है, जब तक ज्ञानी पुरुष नहीं मिलते हैं तब तक उसका कोई ठिकाना पड़ता नहीं है और ये साइकिल में घूमता ही रहता है। ये तो ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, मोक्ष का दान दे देते हैं, ज्ञानी पुरुष नहीं, माने ज्ञानी पुरुष का मिलना भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है साहब। बहुत बहुत अनंत दादा बोलते है मेरे को तो अभी तक, नहीं नहीं तो वो कान में वो दादा के वाक्य अभी तक घूमते रहते हैं कि 5 अबज रुपया खर्चे। दादा की वैल्यू क्या करते थे लोगों को, दादा ने बोला कि दादा आप ये अबज के साथ क्यों होते, मतलब लोगों को क्या ना पैसे से ही वो उसकी वैल्यूएशन समझ में आती है। तो दादा क्या बोलते थे कि 5 अबज रुपया खर्चे तो भी ऐसा ज्ञानी पुरुष का दर्शन नहीं हो ये ज्ञान नहीं मिले। 5 अबज रुपया खर्चे ने कि भाई मेरे को, मैं 5 अबज खर्चने को तैयार हूं तो भी ये चीज उसका कनेक्शन मिले नहीं। फिर दूसरी बात दादा क्या बोलते हैं कि 5 अबज अवतार निकाले ना तो भी ये अक्रम ज्ञान नहीं मिले। अभी कितना अवतार निकाले, कितना अबज रुपया खर्चे तो भी ये ज्ञान मिले नहीं, तो आप इमेजिन करो कि आप कितने पुण्यशाली हो कि जो ये कनेक्शन मिला है दादा। नहीं शब्दों में दादा का ज्ञान के बाद में ना राग द्वेष इमोशनली सेंसिटिविटी ये सब कुछ है ना, सिर्फ आत्मा में रहने का एक आ जाता है इसे व्हाट इज आई, उसमें ज्यादातर मस्ती में रहते हैं साहब। माने इमोशनली कुछ होते ही नहीं है ना, राग द्वेष कोई चीजों फाइलों से नहीं होता है साहब, कुछ नहीं होता। अभी ये तभी तो दादा बोलते हैं कि भाई मौज करो पर मौजिले मत बन जाओ। क्यों बोला क्या तुमको यार, ऐसी सीट पे बिठा दिया है कि अब खाओ पियो मौज करो, जलेबी खाओ, शाम को लगे कि चलो डोसा खा के आने खा के आओ, पर उपयोग पूर्वक। अभी आपको कोई भी सर पे वो नहीं है कि अभी मेरा क्या होगा। अभी आपको कनेक्शन मिल गया, मोक्ष मार्ग मिल गया, शुद्धात्मा का थप्पा लग गया, तो अभी आपको कितना निराश है। अभी तो सिर्फ आपको ये फाइलों का संभाव निकाल करने का, 5 आज्ञा में रहने का है और कुछ करना ही नहीं है ये विज्ञान मिलने के बाद। और जितना भी समय मिले अपने स्व के अंदर बजना करना है, अंदर अंदर बैठे हुए दादा भगवान को देखना है और स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 जितना आवरण टूटता जाएगा उतना आपको केवल ज्ञान की तरफ आप आगे बढ़ते जाएंगे। और अभी जो जिस मुकाम पे हम है अभी इसका एंड डायरेक्शन यही है। जिसको दादा भगवान का सिक्का मिल गया, सिक्का लग गया और उसको मोक्ष मार्ग का कनेक्शन मिल गया, अभी उसकी एंड की मंजिल वही है केवल ज्ञान की तरफ पहुंचने की। इसलिए तो दादा ने बोला ना कि 1-2 अवतार में अभी सीधे आप मोक्ष पहुंच जाओगे। ऐसी चीज मैंने आपको दी है, कभी कल्पना में नहीं आवे ऐसी चीज दी है, बार बार ऐसा बोलते थे। बिल्कुल, कभी आपने विचार नहीं किया हो, कभी कल्पना में नहीं हो, कभी सुना नहीं हो, ऐसी चीज बनी है। बोलो अभी इसमें बुद्धि तो ढकोढकल तो बिल्कुल करेगी नहीं, बुद्धि पॉजिटिव वे में रहेगी तो ज्ञान बराबर हाजिर रहेगा साहब और प्रज्ञा शक्ति चेतती रहेगी। हाँ, प्रज्ञा शक्ति हमको चेतती रहेगी कि हाँ कि भाई ये ज्ञान हमको तो दादा का मिला है, उसके अलावा हमको कहीं जाने का नहीं है। परफेक्ट, आई में मुश्किल पड़ जाने का, बराबर ना साहब, ऑल द टाइम। और दादा बोलते थे ने माई की हरकत को देखते रहने की सब। हाँ, ये दादा बहुत अच्छा बोलते थे। हाँ बोलिए। हाँ, माई में क्या क्या हरकतें होती रहती हैं उसकी विचारधारा को देखते रहने का, बस 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 बस, बराबर। परफेक्ट परफेक्ट। वो दादा ये भी बोलते थे कि जितना भी स्पेयर टाइम मिले, जितना भी अभी अभी आप सब जो आधा घंटा फ्री मिल गया या 10 मिनट फ्री मिल गया या आप कितना भी बिजी है, तो जो भी फ्री स्पेस मिल जाए ना स्व के अंदर घुस जाओ, शुद्धात्मा के लक्ष्य में आ जाओ, आत्मा में आ जाओ, उसके सिवा बाहर कुछ देखने जैसा ही नहीं है, ऐसा दादा बोलते थे।
ऐसी स्टेज पे बिठा दिया है, और कभी भी आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि अभी इसके लिए कुछ आपको प्रेशर लगाना पड़े, कुछ प्रोग्राम बनाना पड़े, एक सेकंड 10 मिनट मिला नहीं तो सीधा शुद्धात्मा के लक्ष्य में बैठ जाए, ऐसा दादा ने कैसा विज्ञान दे दिया। और जब भी आप बाहर हो, फाइल के साथ हो, तो फाइल का संभाव है निकाल करो, और फ्री हो गए तो अपने स्व में आ जाओ, आत्मा में आ जाओ। चलो सर, थैंक यू दादा, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छे, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, स्वामी जी मेरी एक प्रार्थना है आपसे, आज प्रश्न कोई नहीं है, पर एक प्रार्थना है कि आप दादा भगवान के साथ बिताए हुए समय के वृतांत जब बड़ी डिटेल में समझाते हैं तो बहुत सारे सवालों का जवाब बिना पूछे मिल जाता है, तो मेरी प्रार्थना है कि कुछ भी आप दादा भगवान के साथ बिताए हुए समय के वृतांत बताएंगे तो बहुत कृपा होगी। आपको पूछना है, ठीक है, फिर वो वृतांत निकलेगा। तो ठीक है, आप समर्पण को लेकर या 5 आज्ञाओं को मानने को लेकर कुछ भी दादा भगवान के साथ बताए हुए समय के वृतांत कुछ सुनाइए, ताकि हमें और भी अच्छी तरह समझ आए। बरो क्या हम इसको पूछना मान सकते हैं स्वामी? बिल्कुल नहीं, पूछ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस निकले हैं, ऐसे हवा में गोलीबार करेंगे तो कहाँ निशाना है? नहीं, मैं कोई गोली नहीं मार रहा, जो मेरे मन में था मैंने स्पष्टता से बोल दिया बस। नहीं, वो रैंडम क्वेश्चन है, कम इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, इट विल बी गुड, तो उसके स्पेसिफिक आंसर में हमें एक, 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 क्या बोलते हैं, एक डायरेक्शन मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है। नो हरी, लेट इट कम। हाँ जी, यही सचिदान है, जिंदा में जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मेरे को पूछना है कि जो ये बोलते हैं कि वैष्णोत्तर में बोलते हैं कि वैंकुट का संकल्प करना चाहिए, वैंकुट में जाना है, और बोलते हैं कि मोक्ष में क्या बिना बॉडी के स्पेस में घूमते रहोगे, तो मोक्ष नहीं मांगना चाहिए, वैंकुट एटलीस्ट भक्ति में रहोगे, तो रियलिटी क्या है मोक्ष में, एक्चुअली क्या होता है, सब आत्माएं क्या बिना बॉडी के क्या होता है ना मोक्ष में? सॉरी अगर क्वेश्चन गलत हो तो। ऐसा किसने बोला कि भाई वैंकुट जाना चाहिए, ऐसा कौन बोलता है? ऐसे ये आइस्कॉन वाले होते हैं ना, जो ऐसे होते हैं कृष्णा इज अल्टीमेट कृष्णा, ये तो वैंकुट। वो क्या है कि हर एक के जैसे कॉलेज होता है ना, तो हर एक चीज के स्टैंडर्ड्स हैं, जो अभी लौकिक भाषा है, लौकिक स्टैंडर्ड्स हैं, तो कोई बोलेगा कि आप ये सच बोलोगे, सत्य बोलोगे, किसी को दुख नहीं दोगे, ऐसा करोगे तो आप क्या है, आपको स्वर्ग मिलेगा, आप ऐसा करोगे तो आप नर्क मिलेगा, आपको वैंकुट मिलेगा, किसी को ओब्लाइजिंग करोगे, पर वो सब स्टैंडर्ड्स है। हम जिस मार्ग में खड़े हैं, हम जिस चीज को प्राप्त किया है, वो अल्टीमेट जगह है, मतलब जो फाइनल स्टेज है, जिसको कोई भी उस जगह पे पहुंचा नहीं है, सिर्फ ज्ञानी पुरुष के सिवाय, तीर्थंकर भगवान के सिवाय कोई भी उस चीज को पहुंचा नहीं है, वो चीज हमको अल्टीमेटली दादा भगवान ने, जो पुण्यशाली लोग है उनको दिया है कि बस ये मैं, उन्होंने 1 घंटे में ऐसा ज्ञान दे दिया, ऐसा संकेत दे दिया कि अभी आप 1-2 अवतार में मोक्ष चले जाओगे, वैंकुंठ में जाओगे तो वो भी भोग के फिर वापस आपको आने का, फिर अल्टीमेटली इधर आके फिर से ज्ञानी पुरुष से ज्ञान लेके फिर बाद में आपको मोक्ष जाने का। वैंकुंठ एक स्टेशन है, वो अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अभी आपको सोचने का है कि आपको कौन सी स्टेशन में पहुंचने का है। अभी आपने सपोज डिसाइड किया हो कि मुझे बॉम्बे पहुंचने का है, तो आप कहीं सूरत पे उतर गए, तो फिर क्या आपका डायरेक्शन, जो आपका एम है, वो पूरा हुआ? नहीं। हाँ, तो अभी आप किसी भी बीच की स्टेशन पे रुक जाओगे या किसी भी स्टेशन का आप चार्ज करोगे और आपको जाना हो बॉम्बे पहुंचना हो, तो फिर उस डायरेक्शन में ही जानेगा। बीच की स्टेशन पे उतर गए तो उधर आपको पूरा सुकून या पूरा सुख नहीं मिलेगा, आपका पर्पस सॉल्व नहीं होएगा, तब तक तो आप और भी कितने सारे भव और भटकना पड़ेगा।
अगर आपको मोक्ष जाने का है तो और अपनी एम पे जाने का है तो फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर अपना सिक्का मारने का है, मुझे यहाँ पहुंचना है, और जिस फाइनल स्टेज में पहुंचोगे वहां पर ही फाइनल सुख मिलता है, बाकी की स्टेशन पे आपको सुख नहीं मिलेगा, वो जो परमानेंट सुख की बात करता हूं मैं, दूसरे बड़े सुख तो सब स्टेशन में मिल जाओगे, पर परमानेंट सुख का जो डेस्टिनेशन है वो आपका बॉम्बे है, वो फाइनल वहां पर ही आपको सुख मिलेगा, वहां पर ही आपको सीधा मोक्ष में जाने का रास्ता मिलेगा। तो अभी आपको डिसाइड करने का है कि आपको कौन से स्टेशन में खड़ा रहना है। अच्छा हाँ शिवानंद जी, अगर हाँ जी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक बात दादा भगवान की मुझे याद आई, मैं जस्ट आपको थोड़ा रिमाइंड करवाता हूँ कि दादा हाँ। भगवान ने ऐसा पूछा था, वैकुंठ जगह है कि दशा है, हाँ। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बताया था कि जहाँ चित्त वृत्ति भटकना बंद हो जाता है, जहाँ चित्त वृत्ति कुंठित हो जाती है वो हमारी दशा है, और हाँ। वो कहाँ स्थित हो जाती है तो बोले आत्मा में स्थिर हो गए तो वही वैकुंठ वैकुंठ पहुंच गए, वो दशा हाँ, नहीं है, तो इसके सबर में जरा बताओ ना आप प्लीज। ये परफेक्ट है दादा ने जो चीज बताई थी कि जो हमारा मेन जो अंदर की दशा है वो दशा जब वो हमारी प्राप्त हो जाए, मतलब आपने शुद्धात्मा के लक्ष्य में बैठ गए और फाइनल दशा में बैठ गए, वो आपका पोजीशन, वो आपका जो फाइनल स्टेज है वो वैकुंठ है। हाँ। जो आपके ये दशा सूचक शब्द है, स्थिति सूचक शब्द नहीं है, यानी नहीं है। ये जो आपका जैसे अपने अपने को शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ गया तो हमारे को बोलते हैं कि संकेत हो गया, वो दशा प्राप्त की जगह है भाई, ये दशा हो गई, अभी आप यहाँ से सीधा आगे चल के सीधा केवल ज्ञान की तरफ पहुंचोगे। तो ऐसे वैकुंठ भी एक ऐसा दादा ने बताया कि भाई ये एक फाइनल दशा है जो आपको अंदर की परिणति में आपको पता चलता है कि अभी हमारा कहीं भी मन भटकता नहीं है और सब हमारे जो भाव है एक जगह पे केंद्रित हो गए है और आत्मा स्वरूप हो गए है, वो उसको दशा बोली जाती है। स्टेट ऑफ बीइंग ना, स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं ना उसे। हाँ स्टेट ऑफ बीइंग के व्हाट यू आर एग्जैक्टली। वेरी गुड। वैसे तो कुछ जहाँ समझ नहीं आता, दादा भगवान को सरेंडर करते हैं कि दादा भगवान आपकी शरण लिए, हमको आगे का पता नहीं, सिर्फ आपके पीछे पीछे जैसे चले जहाँ लेके जाएंगे वो, ऐसे ऐसे ठीक है। हाँ भाव दादा आपको फाइनल स्टेज की तरफ ही लेके जाने वाला है क्योंकि वो खुद फाइनल स्टेज में बैठे, ऐसा ही बोलने का दादा। आप जिस दशा में बैठे हो, जितना आपको पूरा विज्ञान खुला हुआ है, जितना आपको केवल ज्ञान खुला हुआ है, वैसी मेरी दशा हो, आपने दिया तो वैसा ही एक केवल ज्ञान है, पर अभी आप मेरे पिछला हिस्सा इतना सब माल भर के आया है तो अभी हमको वो फाइनल दशा वो खुलती नहीं है, तो दादा भगवान आप हमारे पे ऐसी कृपा करो कि हमको ऐसी जागृति दो जो जिस जागृति में आप बैठे हैं, जिस जागृति में आपने हमको ऐसा ज्ञान दिया है, पूरा केवल ज्ञान दिया है, तीर्थंकरों का पूरा विज्ञान दिया है, वो हमारे अंदर प्रकट हो और प्रोग्रेस हो और हम फाइनल दशा की तरफ प्राप्त करें, ऐसा दादा से शक्ति मांगने का। नहीं नहीं, और ये ज्ञान के साथ भक्ति का होना कितना इम्पोर्टेंट है, भक्ति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दादा ने भक्ति के ऊपर, तो ये हम सब जो दादा भगवान असीम जय जयकारो करते हैं, वो अंदर के वो भक्ति करते हैं, दादा का निधि ध्यासन करते हैं, दादा का स्मरण करते हैं, वो सब भक्ति में जाता है, और भक्ति तभी प्राप्त होती है जब ये ज्ञान प्रकट हो, और ऐसा मिलने के बाद वो इतना फास्टेस्ट रास्ता है मोक्ष के तरफ जाने का, पूरे ज्ञान को प्रकट होने का। वो दादा बोलते थे भक्ति से, अभी भक्ति ऐसी चीज है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि भले कुछ ज्ञान आपको समझ में आता हो कि नहीं आता हो, मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ मेरे घर का। मेरी मदर बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने हार्डली दो तो चार पांच स्टैंडर्ड तक पढ़ा था, तो उनको ये सब दादा के जब कनेक्शन हुआ उनका, तो उनको कुछ भी इतना समझ में नहीं आता था कि दादा ये सब साइंस क्या बोल रहे हैं,
ये जो जैसे आप सवाल पूछते हो वो कभी सवाल भी नहीं पूछते थे, तो उनको उनको बहुत सारी ऐसी चीज होती थी कि वो दादा से कुछ पूछ ही नहीं पाते थे। खाली उनको क्या होता था, वो दादा को देखते इतना भक्ति हो गए, भक्तिमय हो गए थे कि उनको देखते ही आनंद विभोर हो जाते थे। जैसे जैसे उनको अंदर आत्मा से पूरा जैसे मोक्ष हाथ में मिल गया हो। दादा भगवान का इतना उनको निधि ध्यासन रहता था, सपने में आके बात करते थे, उनके साथ आखा दिन घर में बैठे बातचीत करते थे, उनको आंख बंद करो तो दादा दिखाई देते थे। तो वो दादा ने बोला एक दिन कि आपके माता जी की जो भक्ति है ना, ऐसी भक्ति हमने कभी देखी नहीं। तो ये भक्ति ही उसको सीधा मोक्ष लेके जाएगी, उसको ज्ञान का दादा क्या बोलते हैं उसको जानने का ही जरूरत नहीं है। खाली दादा को देखते ही, दादा का सिमरण करते हुए, दादा का निधि ध्यासन करते हुए, वो इतनी भक्ति होती थी माता जी को कि उनको कभी लाइव में कोई क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ा कि दादा ये अक्रम ज्ञान क्या है, ये क्या है। और आप उनको देखते, आप देख के हैरान हो जाओ कि वो 24 घंटा दादा के साथ कनेक्शन रहता था, 24 घंटा उनके मुख पे इतना आनंद रहता था, इतना हास्य कि हम हैरान होते थे कि सब लोग दादा से इतने सवाल पूछते थे पर उनको कभी पूछने का भी टाइम नहीं मिला, और बोलते थे कि मेरे को दादा मिल गए, मेरे को मोक्ष मिल गया, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो दादा बोलते थे कि इनकी भक्ति देखो, ये भक्ति इनको मोक्ष लेके जाएगी। तो दादा को प्राप्त करके मोक्ष जाने का हर एक के पास अलग अलग रास्ता होता है। कोई भक्ति से, कोई कविराज के पद गा के, कोई सत्संग में दादा से बात करके, कोई कोई दादा की निधि ध्यासन करके, हर एक तरह से दादा को सब महात्माओं ने प्राप्त किया और सब लोगों ने वो दादा का जो आत्मा का जो परमानेंट सुख है उसका अनुभव किया। हाँ जी, जस्ट वन मिनट है चंदा मैम, जस्ट ये मम्मी आपके डैडी को क्या बोलते रहते थे, क्या मांगने का दादा के पास? वो दादाजी है ना, वो बार बार दादाजी पूछते थे कि दादाजी जब बहुत ऐसा सत्संग में आते थे, हमारे घर में बहुत बार सत्संग होता था, तो हम बहुत लकी थे कि दादाजी ने हमारे घर को ऐसा स्वर्ग बनाया कि वो हमारे घर में भी 30-40 सब मेंबर्स थे पूरे परिवार के। तो दादा घर पे सत्संग में आते थे, जैसे दादा हमारा सब लोगों का कल्याण करने के लिए स्पेशली हमारा घर ढूंढा था जहां पर उन्होंने नहीं नहीं तो 17-18 बार ज्ञान दिया, अनगिनत बार उधर रोज आके बोलते थे चलो चंदीराम के घर पे सत्संग करते। तो दादाजी कितनी बार ऐसा बैठते बैठते कभी चंदीराम हमारे पिताजी उनको आगे बिठाते थे, फिर पूछते थे कि चंदीराम सेठ आपको कुछ चाहिए, ऐसा दादा सबसे कितनी बार पूछते थे मजाक में, कभी उनको कभी सीरियसली कि चंदीराम सेठ आपको कुछ चाहिए। तो हमारे पिताजी हमेशा है ना बहुत नरमाई से बोलते, दादाजी आपकी हमको कृपा चाहिए। क्या बोलते थे, दादाजी हमको आपकी कृपा चाहिए। तो हमारी मदर पीछे बैठी होती थी तो पीछे से ठोंगा मारती थी, कृपा क्या मांगते हो, मोक्ष मांगो, मोक्ष मांगो, ये क्या कृपा मांगते हो, कृपा तो दादाजी की है तो मोक्ष मांगो, आप मोक्ष क्यों नहीं मांगते हो। पर पिताजी से वो शब्द ही नहीं निकलता था, वो हमेशा बोलते आपकी कृपा चाहिए दादाजी, आपकी कृपा चाहिए। तो हरेक को हरेक चीज मिल जाती थी दादाजी के पास, कोई बोले कृपा तो ये लो मेरी कृपा मिल गई, वो कृपा ही उनको मोक्ष लेके जाए। वैसे हाँ, वैसे तो ज्ञान हमेशा प्रार्थना होती थी दादा भगवान सब पे करुणा करना, सब पे करुणा करता। अभी लेटेस्ट वर्जन करुणा का सुन के लगता है कि रॉन्ग डायल हो जाए, भगवान सब पे कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना, करना, करुणा नहीं कृपा करना, जो ज्ञान मार्ग। अच्छा, दूसरा है कि जिसको बुद्धि नहीं चलती है उसका चलो अच्छा है भक्ति मार्ग में इजिली अपना लगा सकते हैं, और जिस पुद्गल में बुद्धि का प्रयोग ज्यादा होता है तो बुद्धि को कहाँ राइट जगह यूज करें? यानी नहीं, बुद्धि को दादा बोलते हैं नहीं, बुद्धि की अभी ज्ञान मिलने के बाद कोई जरूरत ही नहीं है। बुद्धि की जितनी जरूरत क्या होती है, भाई यहाँ से कहीं बाहर गए, बाहर जाके किसे बस में बैठने का है, ये दो वक्त की रोटी कमाने के लिए इतना काम करने का है, वो इतनी बुद्धि तो हर एक में होती है और उतना ही बुद्धि की जरूरत है। इससे ज्यादा बुद्धि चला है तो आत्मा मार्ग में वो बुद्धि का, इसलिए दादा नहीं बोलते थे कि हमारे में बुद्धि का एक छांटा भी नहीं है, मतलब ये लाइट है जो ज्ञान की लाइट है, ज्ञान की लाइट से अपन मोक्ष मार्ग में पहुंच सकते हैं। बुद्धि से थोड़ी, बुद्धि से तो और डिले होएगा, बुद्धि और हैरान करेगी
जितनी बुद्धि जिसकी बहुत ज्यादा काम करेगी उतना उसको आगे जाने में बहुत तकलीफ होगी। तो बुद्धि से ये मार्ग नहीं है, ये हार्टली मार्ग है। हार्टली मार्ग में क्या होता है, बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। किसी को हार्टली प्रेम स्वरूप बनना हो तो उसमें बुद्धि की क्या जरूरत है। बुद्धि को अगर पांच आज्ञा में जैसे व्यवस्थित शक्ति कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे अनुभव होते हैं, तो अगर उसको उसमें उसको वो काम में लगा दे तो वो कुछ बुद्धि को काम में लगाने उसको लगाने की जरूरत ही क्या है। हाँ नहीं, पांच आज्ञा में बुद्धि क्या लगाने की, वो तो दादा की कृपा का वो वचन बड़ा है, वो काम करता है। अभी शुद्धात्मा देखने का है, रियल रिलेटिव देखने का है, तो उसमें क्या बुद्धि लगाने का। उल्टा बुद्धि को डालेंगे तो वो रियल रिलेटिव कैसा होता है, कैसे शुद्धात्मा होता है, तो उसमें चला जाएगा, रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। पांच आज्ञा तो सहज है, सिंपल है, उसको खाली समझने का और फॉलो करने का है। अभी दादा बोलते हैं फाइलों का संभाव्य निकाल करो। अब अगर आप उधर बुद्धि लगाओगे तो वो बुद्धि इतनी कॉम्प्लिकेशन कर जाएगी, तो फाइलों का संभाव्य तो बाजू हो गया और फिर वो उसके अंदर ही घूमती रहेगी। इसमें कोई बुद्धि चलाने की जरूरत ही नहीं है। फाइल सामने से आया, आपका फाइल नंबर वन या फाइल नंबर टू आपके सामने आया, और तो आपको क्या करने का, ये फाइल नंबर टू आया उसको संभाव से निकाल करने का। वो बोलता है कि मेरे को पर फाइल नंबर थ्री आके बोलता है मुझे फीस चाहिए, तो उधर अपने को बुद्धि नहीं चलाने का। फीस तो इसके लिए दी जाती है ना कि उसको स्कूल में फीस भरनी पड़ती है, वहां पर ब्रेन चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आज्ञा में, दादा के साइंस में, ये हार्टली मार्ग में कहां भी बुद्धि की जरूरत नहीं है। तभी तो दादा ने बोला ना कि मेरे में बुद्धि का छाटा ही निकल गया, तभी तो भगवान प्रकट हुआ। बुद्धि से भगवान को प्राप्त भी नहीं कर सकते हो, बुद्धि को आत्मा को समझ भी नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये कृपा का फल है। ज्ञानी पुरुष नहीं बोलते कि आपके अंदर ये शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ जाता है, वो ज्ञानी पुरुष की कृपा का फल है। एक एक बात में ये देखो कबीरदास ने क्या लिखा। हाँ, बुद्धि के आशय में ज्ञान बिना कुछ भी ना हो, मतलब हमारी जो बुद्धि है, क्या गजब का पद बना है कबीरदास ने। और बुद्धि के आशय में ज्ञान के सिवा कुछ भी नहीं हो, पूरा मैं कैसे काम पे जाऊंगा, क्या नौकरी करूंगा, किसके पास जाने का है, कैसे जाऊंगा, किधर भी जरूरत ही नहीं है। बुद्धि के आशय में सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान बिना कुछ भी ना हो। और अनन्य शरणामा जगत कल्याण हो, और बस हे दादा भगवान आपके शरण में मैं अभी आया हूं, मुझे जो स्वरूप आपने दिया है, मुझे जो सुख दिया है, उस शरण में आके अभी एक ही भावना है कि जगत कल्याण हो। बुद्धि का टाइप होता है ना कि विपरीत बुद्धि, सम्यक बुद्धि, विपरीत बुद्धि नहीं होना चाहिए। सम्यक बुद्धि हेल्पफुल, सम्यक बुद्धि होना चाहिए ना, यथार्थ रूप से दादा भगवान का ज्ञान सुनने के लिए, ऐसा सही। सम्यक दादा के ज्ञान मिलने के बाद विपरीत बुद्धि भाग जाती है, सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तो विपरीत बुद्धि में ही है, आप विपरीत बुद्धि के दशा में है। ओके, ये ज्ञान मिलने के बाद हमारी सम्यक बुद्धि होती है, तभी हमारा सब बुद्धि के तरफ, आत्मा के तरफ हमारा वलन शुरू होता है, मोक्ष मार्ग पे गाड़ी शुरू हो जाती है। पर जब तक वो नहीं है, ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक तो विपरीत ही काम होता है। बुद्धि क्या करेगी, मैं किस तरह से इसको पटा के पैसा कमा के आऊं, किस तरह से इसका मैं ले लूं, बस दिन रात इसी में ही पड़ी रहती है कि कहां से मैं यहाँ ऐसा करूंगा तो यहाँ पर मुझे फायदा हो जाएगा, अरे ऐसे जाऊंगा तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। आखा दिन नफो नुकसान, नफा नुकसान इसी में ही घूमती रहती है। पर ये हमारे दादा की कृपा का फल है, जब ज्ञान मिलने के बाद हमारी विपरीत बुद्धि बंद हो जाती है, और अभी ज्ञान के सिवा कुछ भी नहीं हो, बस वो ही उसमें बुद्धि में आ जाते हैं। इसको संकित बुद्धि बोलते हैं कि बस मोक्ष मार्ग के सिवा कुछ नहीं चाहिए, आत्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, दादा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस उसी में ही रहता है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि सम्यक बुद्धि एक बात में उलझ जाती है कि दादा भगवान ने बोला अर्हक की माता माया होगी तो जानवर का गत मिलेगा, तो जब ये हॉस्पिटल में देखते हैं किसको किडनी नहीं है, ये नहीं है, तो लगता है ये जो शरीर का जो बोगट है इतना हॉस्पिटलों में इंजेक्शन वगैरह प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिलते, तो लगता है कि दादा भगवान कौन से कर्म आते हैं जो हॉस्पिटल के चक्रों से बचे हैं, कि ऐसा हमारा कर्म ऐसा नहीं हो, वर्तन ऐसा नहीं हो जो, क्योंकि ये शरीर एंड तक स्वस्थ रहे जो आत्मा के
जागृति के लिए, तो ये बुद्धि ठीक है, ये प्रार्थना ठीक है, क्योंकि जानना चाहता है कि कौन से कर्म ना करें जो हमको हॉस्पिटल का ऐसे बेड पकड़ना पड़े ऐसे। नहीं वो सबको नहीं होता है, जिसका जैसा भोगवटा होता है वैसा उसको है। किसी को शारीरिक तकलीफ आती है, किसी को मानसिक तकलीफ आती है, किसी को बाहर से तकलीफ आती है, मतलब ये जो हमने जिधर जिधर भी हमने गलत चीजें की है लास्ट बर्थ में, उन सब का फल स्वरूप आता है। पर अभी हमारे को अभी इस भव में अभी हमारे अंदर दादा के ज्ञान मिलने के बाद दादा की समझ मिलने का क्या अभी भाव रहता है कि अभी मैं किसी को दुख नहीं दूं। तो हाँ। अभी से जब से हमने नया टेंडर बनना शुरू किया कि कभी किसी को दुख नहीं दो, किसी को तकलीफ नहीं दो, मेरे निमित्त से सबको सुख हो, तो आते भाव के अंदर हमारे चारों तरफ से इतना वैभव खड़ा होगा, इतना सुख खड़ा होगा कि आपको मोक्ष मार्ग के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। दादा ने ये भी अच्छा बोला था कि भाई जैसे ही अभी क्यों बोलते थे कि एक दो अवतार में आप आज्ञा में रहोगे तो एक दो अवतार में मोक्ष जाओगे, तो लास्ट एकाद अवतार जो भी होगा वो सिमंदर स्वामी के वहां पर होगा। तो अभी आपने जो ये पुण्य कमाया, ये जो आपने आपका जो पूरा दृष्टि आत्मा की तरफ चला गया, सबको सुख देने की तरफ चला गया, तो आपको एंड रिजल्ट फल स्वरूप जब आप सिमंदर स्वामी के वहां पर सभा में होंगे तो उस समय आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। पहले से ही आपका मकान तैयार होगा, पहले से ही आपका पैसा कमाने का सब तरीका तैयार होगा, आपका मुनिम जी आपको आके हेल्प करेगा, वो आपकी गाड़ी आके सीधा सिमंदर स्वामी के पास वहां पर जो उनकी वाणी चल रही है वहां पर लेके जाएगा, फिर वो गाड़ी आपका ड्राइवर घर छोड़ के जाएगा। इतना सब सुकून, इतना सब इजीनेस होगा। क्यों? क्योंकि अभी आत्मा के सिवा कुछ आपका विचार ही नहीं होगा। तो अभी इसका एंड रिजल्ट अपना ये आने वाला है। तो अभी अपना भाव अभी अभी अपने को इसके लिए ऐसा नहीं सोचने का कि मेरे को शारीरिक तकलीफ, दुनिया की कोई तकलीफ नहीं आएगी अगर आप इस आत्मा में रहोगे तो। ऐसा दादा ने अक्रम विज्ञान दिया, दुनिया की कोई तकलीफ अभी आगे नहीं आने वाली। इस भाव में जो कुछ भी आएगा, अभी प्रतिकूल संयोग आवे के अनुकूल संयोग आवे, उनको खाली संभाव से निकाल करके देखने का है। पर अभी आवता एक दो अवतार आपका भव्य होने वाला है अगर आप इस पांच आज्ञा में रहोगे तो। बहुत भव्य अवतार आने वाले हैं, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। हाँ, एक जगह और भी बुद्धि खड़ी होती है कि जैसे बोलते हैं कि एक बच्चे है 2 साल का है, 5 साल का है और 24 साल का है, उसके लिए अगर पापा से बोलेगा 2 साल का बच्चा बोलेगा कार तो उसको खिलौने की कार देगा, 5 साल का बच्चा उसको बोलेगा कार तो उसको चलाने वाली कार मिलेगा, अगर 24 साल का बोलेगा तो प्रॉपर उसको कार। तो हम अपने फाइल नंबर 1 में इंक्वायरी चलती है कि ऐसी भी अपनी योग्यता पर जो उतनी लेवल का समझ भी सको कि ऐसे ऑर्डिनरी जो 5 रस जो इंद्रियों से जो सुख है कहीं उसमें, यानी रियल जो जहां से दादा भगवान जिस लेवल का बोल रहे हैं कहीं वो चूक ना जाए, ऐसे नहीं सिमंदर स्वामी का सानिध्य मिले और हम समझ ना पाए। तो ऐसे बुद्धि थोड़ा ऐसे बता दे कि थोड़ी अपनी योग्यता भी हमेशा भरी रहे ऐसे, तो ये ठीक है कि हाँ नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अपना अभी जो ये निरंतर कंसंट्रेशन का जो अभी है सिर्फ दादा में ही रखने का, बुद्धि बहन को बोलने का भी बुद्धि तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बुद्धि बहन को थोड़ा शांत करने का और ज्यादा बुद्धि जलाने जैसा नहीं है, क्योंकि बुद्धि से ये कुछ भी आप पहुंच नहीं पाओगे। ये विज्ञान समझ समझ दादा का एक एक वाक्य को समझ समझ करेंगे तो उसके हिसाब से आप फाइनल स्टेज पर पहुंच जाओगे। और सिर्फ बहुत ही सिंपलिसिटी है कि अभी अपने को माइंड में किसी भी चीज की वो बीख रही नहीं है। अभी कोई अभी आपको ऐसा कुछ रहता है कि मैं अभी घूमने जाऊं, अभी ये करूं, ये वो करूं, मतलब ऐसा कुछ भी अंदर से आता है नए नए सवाल? अभी आपको अभी ज्ञान मिलने के बाद अभी अंदर खाने आपकी परिणति जो है वो बदल रही है कि नहीं बदल रही है? हाँ, बहुत आपके अंदर जो पहले की जो दशा थी और अभी जो सुख आपको आता है वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बस हाँ, तो अभी आपको वहां पर कॉन्सेंट्रेट करने का, दादा की भक्ति रहने का, दादा की आज्ञा रहने का, दादा का एक भी वाक्य भी पकड़ लो ना कि भाई दादा ने ऐसा बोला था कि भाई ये 5 आज्ञा में ये रहोगे संभावे निकालोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप मोक्ष तक पहुंच जाओगे। तो बाकी अंदर खाने अभी बुद्धि का तो कोई क्लास ही नहीं है। दादा ने आपके अंदर ऐसी प्रज्ञा शक्ति बिठा दी है कि हर एक जगह पे आपको सावचेत करेगी,
आप गलत कर भी नहीं सकोगे, गलत होगा तो आपको ऑन द स्पॉट सावचेत करेगी और फिर आपसे प्रतिक्रमण करवाएगी। इतनी अच्छी मशीनरी दादा ने अंदर सेट कर दी है, अभी बुद्धि की क्या जरूरत है? इसलिए बार बार आप जो बुद्धि का शब्द वापरते हो उसको बुद्धि को चौकड़ी मार दो, अभी बुद्धि का कोई कहीं अभी उसका अभी असर ही नहीं है ये ज्ञान के अंदर। बुद्धि खाली इतनी वापरनी है कि आप घर से कैसे बाहर गए, आपको रिक्शा में बैठने का कि कार में बैठने का ऐसा वो डिसीजन लेके गाड़ी आगे बढ़ती है, और बाकी दूसरा इस ज्ञान के अंदर कहीं भी बुद्धि की वपराश की जरूरत नहीं है। अभी तो दादा ने बुद्धि का बहुत बड़ा बादशाह बिठा दिया प्रज्ञा शक्ति, वो आपको हर एक तरफ से आपको प्रेरणा देगी, आपको लाइट देगी, आपके पूरे मोक्ष मार्ग तक आपको ठेठ तक लेके जाएगी। इतनी गजब की चीज दादा ने दे दी। अभी बुद्धि तो जरूर बुद्धि का नामो निशान ही मिटा दो, बहुत बुद्धि हैरान करे तो दादा बोलते उसको बोलो गेट आउट फ्रॉम हियर, बुद्धि की अभी जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, वैसे तो अभी जितना जितना ज्ञान समझ में आता है उतना इतना अहो भाव होता है कि दादा भगवान अहो इतना सरल ज्ञानी, नहीं तो वास्तव में गुरु लोग कितना कितना परीक्षा लेते थे, और हम तो दादा भगवान मतलब जहाँ डेले पर जाओ शक्तियां मांगो ऐसे परीक्षा तो नहीं लेते, खुद ही हाथ दे देते शक्ति दे देते और बोलो और हाजिर है, बोलो और हाजिर है। तो अहो भाव, जय सत्यानंद, बहुत अच्छा समझाया, बहुत समाधान मिला सब बातों का। आपने दादा को बहुत अल्टीमेट चीज दे दी है। जय सच्चिदानंद। हाँ हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, केशव आनंद जी, सभी महात्माओं के अंदर बैठे शुद्ध आत्मा को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जैसे प्रतिक्रमण करते हैं और बैठते हैं अपने साथ में, तो जो जो दिखता है जितना मतलब याद आता है, लिखती जाती हूँ नाम, फिर जब बैठती हूँ सामायिक में सबके प्रतिक्रमण, पिछले कई भाव के भी करती हूँ जिनको मैंने देखा भी नहीं, जानती भी नहीं, ऐसे कितने जन्मों के मम्मी पापा सास ससुर बच्चे इन-लॉज हस्बैंड सब। तो ये जो नमस्कार विधि में कहते हैं कि सब जीवों का ये जो है, एक मिनट, हाँ, सारे ब्रह्मांड के समस्त जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ, और 8 दिन की अध्यक्षण पर्यंत मतलब जब से ये सृष्टि शुरू हुई है और आज तक सबकी मैं मतलब यही प्रार्थना करता हूँ कि दादा भगवान जब से ये सृष्टि शुरू है, जो मेरे आचार्य, जो मेरे सारे देवी देवताओं, सबके लिए मैं नमस्कार मांगती हूँ, सबके लिए। लेकिन ये थोड़ा कल आया ख्याल में कि ये जो एक इंद्रिय के जो जीव है, 2 इंद्रिय के जीव है, 3 इंद्रिय के, तो उनका भी तो हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए ना, मतलब ये विश्व में तो आ ही जाता है। नहीं, पर उनके साथ कुछ प्रतिक्रमण कहाँ करने का है, जहां पर अतिक्रमण हुआ हो। आपके जो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव है उनका आपने कहाँ अतिक्रमण किया? तो प्रतिक्रमण कहाँ से, प्रतिक्रमण कहाँ से शुरू होता है? मैं भी तो वहां पे 1 इंद्रिय में कभी ना कभी तो आई होगी या 2 इंद्रिय में, मुझे नहीं पता, मुझे मैं हो सकती हूँ मैं गलत हो सकती हूँ इसमें, आप लाइट देना, बट सभी का कर लो जिसके कारण हम इतना भोगवटा के कारण हम ये जो भोग रहे हैं, तो एटलीस्ट वो सब क्लियर करते जाए, वो मैं क्लियर करना चाह रही थी। दादा क्या बोलते है कि दादा क्या बोलते है कि जो सबसे इस एक पिछले जो अवतार है मनुष्य अवतार से लेके वहां पर ही जहां पर हमारे अतिक्रमण हुए हैं, तो वहां पर ही जो हमको हरकत करता है, तो वो ही उन जिनके साथ हमारा अतिक्रमण हुआ है उनका ही प्रतिक्रमण करने का है। पर बाकी जिनके साथ कुछ अतिक्रमण हुआ ही नहीं, आपने किसी को दुख नहीं दिया है, तो वहां तक वहां पर प्रतिक्रमण की भी जरूरत नहीं है जी। आप समझो आपके पता नहीं पता है, जहाँ भी गए जो भी देखा, जैसे भाजी वाला, कभी फ्रूट वाला हुआ, कभी ड्राइवर हुआ, कभी कोई भी हुआ, मतलब नहीं भी हुआ हो ऐसे क्षमा मांग लेते हैं भाई। हाँ तो सहज रीते क्षमा, सहज रीते क्षमा मांग सकते हैं ना कि आ भव इस भव में पर भव में मेरे मन वचन काया से किसी भी जीवात्मा को एक समूह प्रतिक्रमण कर देने का। आपको टाइम बहुत अच्छा है, अच्छा टाइम मिलता है, तो समूह प्रतिक्रमण भी कर डालने का। सुबह को एक बार उठ के हे दादा भगवान मेरे मन वचन का ऐसे इस भव में पर भव में जाने अनजाने इस ब्रह्मांड के किसी भी जीव को दुख हुआ हो तो हे प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी है, मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, प्रत्याख्यान करती हूँ, ये सब अंदर बैठे हुए भगवान तो मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, बस समूह में भी प्रतिक्रमण के लिए अपना काम हो गया। आपका भाव क्या है
कि मेरे को किसी भी जीव को अभी दुख नहीं देने का, अभी किसी भी जीव के साथ मेरा अतिक्रमण नहीं हो। और होता है तो ये ज्ञान मिलने के बाद शूट ऑन साइड प्रतिक्रमण हो जाता है, यानी फिर अपने सर पे कोई बोझा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सहज नहीं थे एक तरफ से। अभी अभी दादा ने हमको ऐसी दशा में बिठाया है कि जाने अनजाने कभी अतिक्रमण हो जाता है, तो एक तरफ अतिक्रमण होता है तो दूसरी तरफ प्रतिक्रमण ऑन द स्पॉट चालू हो जाता है। जी जी बिल्कुल, ऐसी दशा में दादा ने बिठाया है। तो अभी फिर उसका ज्यादा बोझा रखने का नहीं है। पहले जब स्टार्टिंग होती थी, जब नया नया ज्ञान मिला था, तब धीरे धीरे हमारा विजन भी नहीं इतना क्लियर हुआ था, तब हमने को रात को अखा खा दिन बैठ के या रात को बैठ के हम जो भी अतिक्रमण किए हो दिन के दिन दरमियान वो हम प्रतिक्रमण करते थे। पर जैसे जैसे दादा का ज्ञान बढ़ता जाता है, आवरण टूटते जाते हैं, विजन क्लियर होता जाता है, अंदर की शक्तियां बढ़ती जाती है, तो फिर ऑन द स्पॉट शूट ऑन साइड हमारे प्रतिक्रमण हो जाते हैं। एक तरफ अतिक्रमण हो रहा है तो वो अभी साफ ऑन द स्पॉट हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। अच्छा ये दूसरा प्रश्न पूछ सकती हूँ? ये जो दादा के लिए बार बार कहते हैं चौदह लोग का नाथ है, चौदह तो ऐसे काफी लोग होंगे ना, लाइक एक लोग, दो लोग, तीन लोग, तो ये चौदह लोग क्या है? ये चौदह लोग है तो वो उनका पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। तो दीपक आनंद जी आप बताओ चौदह लोग का पूरा वर्णन, तो भाई वो चौदह लोग के दादा कैसे है? एक अपेक्षा से तीन लोग बोलते हैं, त्रिलोकपति, और दूसरी अपेक्षा से चौदह लोग बोलते हैं। ये सारा ब्रह्मांड चौदह लोक का बना है, सो उसमें लोक बीच वाला है वो मध्य लोक है, जहाँ मनुष्य और पशु पक्षी और वनस्पति है, बीच मध्य लोक में एक लोक में आ गया। ऊपर ऊपर के छह देव लोक है, ओके, तो ये सात हो गए, और नीचे के सात पाताल, यानी एक दो तीन चार पांच छह सात, इस तरह से सारे ब्रह्मांड को चौदह लोक में विभाजित किया गया है इस तरह से। और जो मुक्त हो गए हैं तो उनको ये चौदह लोक बोला जाता है, कि वो कहीं भी किसी भी लोक से किसी के साथ उनका झगड़ा नहीं रहा है, किसी भी प्रकार के दोष में आते नहीं है, इसलिए वे मुक्त हुए हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष को दादा भगवान को चौदह लोक के नाथ बताए। तीर्थंकर परमात्मा वैसे ही होते हैं, सभी तीर्थंकर परमात्मा है। तो व्हाट इज दिस चौदह क्षेत्र, क्या है वो? अलग है क्षेत्र लोक, चौदह लोक पंद्रह क्षेत्र है। हाँ पंद्रह क्षेत्र, पंद्रह क्षेत्र यानी पंद्रह भूमि है जहाँ मनुष्य विराजते है। ओके, जैसे हमारा है ना भरत क्षेत्र, हाँ वो पांच भरत क्षेत्र है, पांच ऐरावत क्षेत्र है और पांच महाविदिक क्षेत्र है। ओके, इस तरह से पंद्रह क्षेत्र है। ओके, वो सभी पंद्रह क्षेत्र मध्य लोक में। ओके ओके, थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उमेश जी, हाँ जी स्वामी जी, एक प्रश्न है, एक समझ अपनी ठीक करना चाहता हूँ। अभी आपकी बात से मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज समझ आई, तो मैं जानना चाहता हूँ वो ठीक समझा मैंने, कि जब भी कोई हमारे सामने प्रतिकूल स्थिति उठती है तो वो प्रतिकूल स्थिति का मन को समाधान तभी मिलेगा जब हम पांच आज्ञाओं के बीच में रहेंगे। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, पांच आज्ञाओं के बाहर जाके उसका समाधान कभी मन को नहीं मिलेगा। लेकिन जब मन को उसका समाधान मिलता है तो हमारे पुरानी सोच के कारण, गलत सोच के कारण हमें लगता है कि बुद्धि ने हमें समाधान दिया है, पर एक्चुअली वो दादा भगवान की कृपा से हमें समाधान मिलता है। क्या ये मेरी समझ ठीक है जो अभी अभी आप बात समझा रहे थे? हाँ, वो ज्ञान की दृष्टि से आपको समाधान मिलता है, ज्ञान की दृष्टि से, वो ज्ञान की
विज्ञान जो दिया है उससे समाधान होता है कि जैसे विज्ञान क्या है कि भाई प्रतिकूल संयोग आया के अनुकूल संयोग आया, प्रतिकूल संयोग क्यों आया क्योंकि मेरा ऐसा हिसाब है, लास्ट बर्थ में मैंने किसी को कुछ तकलीफ दी है या मैं किसी का अंतराय किया या किसी को दुख दिया या किसी को तकलीफ दिया, उसके हिसाब से ये प्रतिकूल संयोग आया, नहीं तो प्रतिकूल संयोग आएंगे ही क्यों। हाँ जी। हमारे दिए हुए संजोग की वजह से, हमारे दिए हुए चीजों की वजह से हमको ये प्रतिकूल संयोग आता है। तो अभी अभी हमको ज्ञान की दृष्टि से कैसे समाधान मिलता है कि मैंने जाने अनजाने में ऐसा किया होगा, मैंने किसी के लिए अंतराय किया होगा, किसी को दुख दिया होगा, इसलिए आया है। तो अभी ये जो चीज आई है अभी इसको जमा कर दो, अभी अपने आप को बोलो कि भाई सर ये आपका हिसाब है, अभी इसको भोग लो। और भोगता कौन है, ये फाइल नंबर वन भोगता है, आप तो शुद्ध आत्मा है। तो ये जो पूरी प्रोसेस चलती है ना, वो पूरी आत्मा के ज्ञान की डेवलपमेंट से पहुंचती है, दादा के ज्ञान के कृपा का फल है कि ये विज्ञान अभी प्रकट हुआ, तभी हमारा ऑन द स्पॉट समाधान होता है, नहीं तो समाधान ही नहीं हो। अगर प्रतिकूल संयोग आ जाए तो वो सीधा डॉक्टर को बोलेगा कि तुम्हारी वजह से हुआ डॉक्टर, तुमने बिगाड़ा, तुमने ऐसा किया। पर एक्चुअली साइंस क्या बोलती है, विज्ञान क्या बोलता है, दादा की समझ क्या बोलती है कि हमारा ये दिया हुआ हिसाब है। बाकी दादा बोलते ने कि बाल की टॉर्च जितना भी कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता है, ऐसा स्वतंत्र जगत मैंने देखा है। जी बिल्कुल। हाँ, बाल की टॉर्च जितना भी। हाँ जी, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमें उस समय लगता है कि ये समाधान हमारी बुद्धि के कारण है, वो हमारी गलत सोच का रिजल्ट है। एक्चुअली वो ज्ञान की दृष्टिकोण, वो ज्ञान की दृष्टि से समाधान हो रहा होता है। परफेक्ट, क्योंकि जैसे ही ज्ञान मिलता है, बुद्धि बैंक का तो उधर वहां पर ही विनाश हो जाता है, बुद्धि बैंक चली जाती है। और फिर जो पिछले भाव के हिसाब से जो कुछ भरी हुई है प्रकृति में जो है, उसको दादा बोलते हैं कि उसको समझ से, अपने विज्ञान से उसको बोलो, बहुत हैरान करे। तो एक बार दादा ने ये बोला कि दादा जैसे आपका कोई ऐसा महात्मा आया, तो दादा मुझे बुद्धि बहुत हैरान करती है, दादा आपके ज्ञान को, पूरे ज्ञान को भी बुद्धि में कन्वर्ट कर डालती है, बुद्धि से ही सब ये हो कर रही है, क्योंकि उसको बुद्धि बहुत थी। तो फिर उसने दादा ने बोला कि इतना सब समझाने के बाद, ज्ञान की समझ मिलने के बाद बुद्धि बहन आपको बहुत हैरान करे ना, तो उसको बोलना के गेट आउट फ्रॉम हियर, चिल्ला के बोलना, क्योंकि जब तक आप उसको गेट आउट नहीं करोगे तो वो आपको परेशान करेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा ने हर एक प्रकार के रास्ते बताए हैं किस तरह से किसी भी चीज से आप मुक्त हो सकते हो। बाकी ये ज्ञान मिलने के बाद बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं है। तभी तो दादा ने बोला कि हमारे में बुद्धि का छाटा मात्र भी नहीं है, तभी तो ये पूरा केवल ज्ञान में रह सकते है, आत्मा में रह सकते है। बुद्धि से तो पूरी आत्मा प्राप्त हो ही नहीं सकती है, बुद्धि से तो सब बोलते हैं कि मैं आत्मा हूं, पर बुद्धि से आत्मा को नहीं देख सकते हो। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी, धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद जी। क्विक 2 मिनट है, अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते। मन्नान लास्ट चांस। जय सच्चन दीपक आनंद जी, जय सच्चन केशवानंद जी, जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी, एक चीज अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो एक क्वेश्चन आया कि हम मतलब जनरली मैं ये समझता हूँ कि मैं ज्ञान की इम्प्लीमेंटेशन, मेरा व्यवहार आगे का सुधर जाए या फिर मुझे आगे भोगवटा ना है उसके लिए करता हूँ मैं, वरना मुझे व्यवहार मेरा स्ट्रीमलाइन हो, व्यवहार में सब अच्छा चले, व्यवहार में मेरे सब पॉजिटिव, इसीलिए मैं ज्ञान की इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ। बट रियल तो मुझे कोई संभावे निकाल करने का इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको संभावे निकाल करने का इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं चरण विधि या फिर मैं ज्ञान या फिर मैं कीर्तन भक्ति उसी के लिए करता हूँ कि हाँ मेरा ये मेरा एक 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 मुझे पॉजिटिव रहे, मेरा मेंटल एटीट्यूड अच्छा रहे, मैं शुद्धात्म दे। बट वो तरीके का जो डेडिकेशन कि मुझे अब मतलब मुझे सिमंदर स्वामी के पास महाविदिक क्षेत्र में जाना है या उस लेवल का मुझे चारित्र उत्पन्न होना चाहिए, तो क्या मैं ज्ञान को मेरी बुद्धि से समझ रहा हूँ? हाँ बरूबर,
क्या है कि ये ज्ञान मिलने के बाद अभी जब तक अपन कितनी बार ऐसा भी होता है कि भाई अभी अंदर से कोई भूख नहीं लगी हो, भूख नहीं लगी हो और आपको कोई चीज जबरदस्ती खिलाए, हाँ तो उसमें कैसा लगता है कि नहीं नहीं मेरा पेट भरा हुआ है ऐसा है। पर जिस दिन रियल भूख लगे और उस दिन वो खाना मिले, थोड़ा सा भी मिले, कुछ भी मिले, तो आपको कैसा तृप्ति हो जाता है। बराबर है, बराबर है। तो अभी क्या है, अभी तो संसार की कभी मार नहीं खाई है, अभी कुछ कोई तकलीफ नहीं आई है, कभी ऐसा अनहोनी नहीं हुई है। तो जिस दिन दादा इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो एक बार एक महात्मा आया तो दादाजी को पास आया, तो कोई लेके आया होगा उसको, हाँ चलो दादा के पास चलाओ, बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, बहुत बड़ी अच्छी समझ है और बहुत आपको आनंद आएगा। तो दादा का एक नॉर्मल प्रोसीजर था कि सब पूछते थे, सब ठीक है ना, सब अच्छा लगता है ना, आप इधर क्यों आए हो, तो बोला ये लेके आया। तो पूछा कि संसार में कुछ दुख लगता है, बोला कुछ दुख नहीं है दादा, बहुत सुख है, ये है कुछ है। तो फिर दादा ने एंड में पूछा, बहुत लंबी स्टोरी है, वो एक महात्मा का हैपनिंग हुआ है। तो दादा ने एंड में पूछा कि मोक्ष में जाने का विचार आता है, बोलता नहीं दादा, मोक्ष तो मेरे घर में ही ऐसा अनुभव होता है, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरे मेरे मेरी बहू और बच्चे मेरा इतना ख्याल करते हैं कि पूछो नहीं, शाम को हम साथ में खाना खाते हैं और कोई तकलीफ नहीं है, रात को मैं सोता हूँ तो मेरा दूध का ग्लास भर के लेके आते हैं, दवाई देते हैं, सब करते हैं दादा, फिर मोक्ष में जाने की क्या जरूरत है। तो बोला कि अच्छा, दादा ने बोला कि अच्छा फिर तो आप क्यों आए हो, जब मोक्ष की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अच्छा है। फिर जाते जाते दादा ने एक सेंटेंस बोल दिया कि भाई जिस दिन तुमको संसार में तकलीफ लगे, जिस दिन आपको कोई ऐसा बोले, तो उस दिन आप आना, तो अभी आप भले घर जाओ। तो ऐसे कुछ साल गुजर गए, तो एक दिन जैसे कोई संजोग आया होगा, तो किसी बहू ने उसको बोला कि पापा अभी आप बुढ़े हो गए हो, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ये तो आपने बहुत गलत करते हो, अभी आपने ये गलत किया। तो उस दिन उनको ऐसा लगा कि अरे ये क्या है, ये संसार में ऐसा होता है, मैंने इनको इतना पाल पोस के बड़ा किया, अभी मेरी गलतियां निकालते, उनको इतना दुख हुआ कि सहन नहीं हुआ, और यहां तक भी बोल दिया आपको अक्ल ही नहीं है। अभी जिस दिन ये बोला तो उनको वो दादाजी का वाक्य याद आया, और फिर दादा के पास दौड़ते दौड़ते आए कि दादा आपने सही बोला था, जिस दिन कोई ऐसा बोलेगा कि तुम्हारे में अकल नहीं है, उस दिन लगेगा कि अभी संसार में रहने जैसा नहीं है, दादा अभी मुझे मोक्ष दे दो, अभी एक पल भी मेरे को रहने जैसा, दादा आखी आखी रात नींद नहीं आती है। तो उसके बाद तो दादा ने जो बोला कि सत साधन करो, ये करो, असीम जय जयकार, तो इतना भाव से इतना किया कि उसको रातों रात मोक्ष का अनुभव लगने लगा, क्योंकि वो जुदा हो गया, उसको समझ आ गई कि मेरे में अकल है का, बहू ने बोला अकल है नहीं है तो ये इस पड़ोसी को बोलती है, मेरे को तो जानती नहीं है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। अभी उस दिन के बाद उसकी वैल्यू हुई, उस दिन खरी भूख लगी। तो जिस दिन ये खरी भूख लगेगी ना, तो इस दिन आपको ऐसा लगेगा कि वाह ये तो एक एक चीज मेरे को मोक्ष का अनुभव कराती है, ये चीज मेरे को मोक्ष लेके जाएगी, ये चीज से मेरे को इतना अनंत सुख मिलेगा। अभी ये संसार के सुख में जहां पर सुख का कोई इमेजिनेशन नहीं है, जो खाली कल्पना का सुख को मानते हैं, तो जिस दिन मुझे परमानेंट सुख मिलेगा, उसका एक खाली बाल जितना भी, इसका एक ड्रॉप जितना भी अनुभव करेगा ना, तब बोलेगा कि यार ये इसके सिवा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, संसार की पूरी मार खाने के बाद। उस दिन तुम मेरे को बताना कि भाई अभी क्या होता है अभी अनुभव। तो अभी दादा बोलते कि इस अली स्टेज, हमको सब बोलते थे कि ये कोई स्टेज है, तो अब बोलते जब वो स्टेज आएगा ना, तो उसकी अभी आपसे तैयारी हो रही है। ऐसे प्रतिकूल संजोग आ गया, किसी ने बोल दिया कि भाई तेरे में तो अक्कल नहीं है, तू क्या करता है, तेरे को कुछ है ही नहीं, खाली एक सेंटेंस कोई ऐसा बोल दे ना घर का मेंबर या दोस्त या कोई भी आपका पहचान वाला, उसी दिन आपकी नींद हराम हो जाएगी। उस दिन आप क्या बोलोगे, मुझे ये संसार ही नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष जाने का, जहां पर परमानेंट सुख हो, जहां पर कोई गाली भी दे दो उसका उसका उसको असर नहीं होता है, वो परमानेंट सुख के दिन हमारी खरी बजना शुरू होती है, हमारा खरा दादा के लिए समर्पण शुरू होता है, खरी पहचान हमारी दादा की होती है कि दादा कौन सी स्टेज में पहुंचाया है हमको, जो हर पल हर घड़ी इस संसार में रहते हुए कितने भी प्रतिकूल संजोग में होते हुए सुख का अनुभव कराए, ऐसा मोक्ष का जो दान दिया है, मोक्ष दिया है, वो आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ऐसा दादा ने काम करके दिया।
बराबर है। तो ये दादा क्या बोलते हैं कि ये जो सब आप करते हो इसका जो फल आएगा ना वही आपको एक दो अवतार में मोक्ष लेके जाएगा, और आपका पुण्य है कि आपके पास ऐसे प्रतिकूल संजोग आते नहीं है, सब अच्छा है। और ये दुनिया कैसी है कि पाप कर्म होएगा तो सब प्रतिकूल संजोग आएगा, फिर पुण्य, और फिर पुण्य का जो किया होगा फल आएगा तो सब अनुकूल संयोग मिलेगा, किसी भी चीज की आपको तकलीफ नहीं होगी। ये विज्ञान है, विज्ञान को समझ लिया ना इतना आनंद आएगा, और इसी में ही परमानेंट सुख ही आप सोच सकोगे। बाकी दुनिया का कोई भी सुख परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। फिर चाहे भले आप डॉक्टर बन जाओ, कोई बड़े बिजनेस बन जाओ, अबजोपति बन जाओ, पर आपको रियल सुख आत्मा के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। नहीं तो तीर्थंकर भगवान तो ज्ञानी पुरुषो केवल ज्ञान की तरफ चलते, इतने सारे महात्माओं को मोक्ष का दान देते, क्योंकि सब दान जानते हैं कि ज्ञान आत्मा के सिवा कहां भी सुख नहीं है, कहां भी सुख नहीं है, आत्मा में ही परमानेंट सुख है। आपको कैसे लगता है, आपको कैसे लगता है? नहीं मुझे समाधान हुआ केशवानंद जी, बट एक ही चीज है कि हाँ मैं रेगुलरली ट्राई करता हूँ करने का, बट मुझे ऐसे लगता है कि हम फ्यूचर अपना सिक्योर करने के लिए ज्ञान का यूज करते हैं, मतलब व्यवहार का फ्यूचर मेरा सिक्योर हो व्यवहार में, जैसे कि सही बात है आपकी कि भाई ये मैं ऐसा करूंगा तो इसका ऐसा रिजल्ट आएगा। हाँ। वो बुद्धि हमेशा हमको, ये बुद्धि का स्वभाव ही ऐसा है कि वो यही दिखाएगी, तुम ऐसा करोगे तो फायदा होएगा, ऐसा नहीं करोगे तो नुकसान होएगा। तो वो हम बुद्धि से देखते हैं, अभी हम आत्मा की तरफ हमारा पूरा चेंज करो। बुद्धि ने तो कितने भव हमारे बिगाड़े हैं, बुद्धि की वजह से तो हमारा सब ये हाल हुआ है। तो भाई अभी अबुद्ध दशा में दादा बिठाया है, उस अबुद्ध दशा का अभी अनुभव करो, अबुद्ध दशा का फायदा उठाओ। अबुद्ध दशा में क्या है कि जो भी संयोग आते हैं, जो भी करते हैं, उसमें आपकी भी सत्ता नहीं है, आपको सत्साधन कराने के भी आपकी खुद की सत्ता नहीं है। ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठे होते हैं, वहां पर तुम क्या बोलते हो कि मैं ये सत्साधन करता हूँ इसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आएगा, ये खुद की भी आपकी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। हाँ ये सब कोई शक्ति साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठे होती है आपसे करवा रही है और आपको लगता है कि मैं कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विज्ञान मिलने के बाद सिर्फ संयोग इकट्ठे हो जाते हैं, आपने कुछ भाव किए उससे सत्साधन हो जाते हैं, उसको देखा और उसको अभी अभी उसमें वो भी करते हुए भी आप उपयोग में रहो कि आप किस तरह से साधन कर रहे हो, सही कर रहे हो, कहीं कमी है ऐसा है वो देखो। एंड रिजल्ट आपको देखना नहीं है, एंड रिजल्ट तो एक दो अवतार में खुद ही आके खड़ी होने वाली है, खुद ही आप एक महाविद्य क्षेत्र में पहुंचने वाले हो। इसलिए जो भी संयोग आता है उसको देखो जानो, ये केवल ज्ञान का अल्टीमेट आंसर है, जुओ और जानो, देखो और जानो आपकी परिणति में क्या हुआ, ये संयोग आया तो क्या हुआ? उसको देखो और जानो बस, और कुछ करना नहीं है। बाकी साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठे होते हैं, आपकी तबीयत अच्छी है तो आपसे सत्साधन कर रहे हो, आपकी तबीयत अच्छी नहीं होगी तो कहां से सत्साधन करोगे, बराबर। यानी कितने सारे संयोग आपको चाहिए कि आप कर रहे हो, आपको कौन करवा रहा है, तो उसको उस साइंस को देखो, बराबर है केशवानंद। जय सच्चिदानंद, हमारा समय हुआ है, किशोर का त्रिवेंद्र बुलाए, मनन फॉलो करेगा। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावप्पणासनो, सव पावप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, उसमें हम 10 मिनट का सामायिक भी करेंगे अलकवन के सामायिक के साथ।
पहली कलम जहां जहां चूक गए हैं आज तक उसका प्रतिक्रमण रखेंगे, दिन भर भी जब समय मिलता है तो पहली कलम जहां जहां चुके हैं उसका प्रतिक्रमण रखेंगे।